आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जेपी नड्डा का वार, कहा विकास का मजा लेना है तो कांग्रेस के अंधेरे दिनों को याद रखना। अमित शाह का अखिलेश पर निशाना, बोले सपा 3P पर चलती है। उत्तराखंड को न्यू ईयर गिफ्ट देकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा प्रोजेक्ट्स में अड़ंगा लगाना उनका ट्रेडमार्क। पीयूष जैन केस में डीजीजीआई का खुलासा, टर्नओवर बताकर 52 करोड़ में सेटलमेंट की बात गलत। कल अयोध्या में रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबर जबरेड़ा से है, जहां पर चर्चाओं में रहने वाले जबरेड़ा के विधायक ने बयान दिया है अपनी ही पार्टी के लोगों को, जो पार्टी से जबरेड़ा विधानसभा में अपने टिकट की मांग कर रहे हैं, उनको गुड़ पर मक्खी बता डाला। विधायक देशराज कर्णवाल ने सभी दावेदारों को मक्खी की संज्ञा दी। वहीं देशराज कर्णवाल विधानसभा के मौजूदा विधायक है, उनका कहना है कि टिकट का पहला हक उनका बैठता है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने के लिए बहुत सी मक्खियाँ विधानसभा में प्रवेश कर चुकी हैं, और क्योंकि मैं गुड़ हूँ, मैंने प्रदेश में सभी विधायकों से ज़्यादा काम किया है, मैंने देश में सभी विधायकों से ज़्यादा विधायी कार्य किया है, मैं गुड़ हूँ, इसलिए मक्खी भिड़कने के लिए आ गई है। मैं निवेदन करूँगा उन मक्खियों से कि वो थोड़ा गुड़ से थोड़ा ऊपर को ही रहे, उसमें बैठने की कोशिश ना करें, कभी वो धस जाए या चिपक जाए। विधानसभा में वही पौड़ी में प्रदेश के लोक निर्माण सिंचाई और चौबटा खाल विधायक सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विकासखंड बीरो खाल स्थित रसिया महादेव में जिला सहकारी बैंक की शाखा का लोकार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जिला सहकारी बैंक की शाखा खुलने से यहाँ क्षेत्रवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। चमोली के में माल्टा संतरा जैसे नई तकनीकी युक्त और उच्च गुणवत्ता युक्त फलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय नींबू वर्गीय फसल प्रजातियों की संगोष्ठी और प्रदर्शनी चमोली में एक स्ट्रीट कार्निवल का जो है शुभारंभ किया गया था। राजकीय उद्यान कोठियालसैंण में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में यह आयोजन किया गया। आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से आए माल्टा उत्पादक किसानों ने प्रतिभाग किया और अपने उच्च गुणवत्ता युक्त प्रदर्शनियों का स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शन किया। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे, हमारा जो 2 दिवसीय संगोष्ठी थी यहाँ पर नींबू वर्गीय प्रजाति के जो हमारे फल होते हैं उन पर, जिसमें मुख्य रूप से हमने जो 10 विभागों के लगभग 10 स्टॉल लगा रखे थे, जिसमें विभाग और अन्य किसानों को भी हमने स्टॉल आवंटित किए हुए थे। इसके अलावा यह मुख्य कार्यक्रम जो है सिट्रस बेस था, जिसमें हमने विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ से हमने जो है विभिन्न प्रकार के जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, चाहे उसमें माल्टा है, संतरा है, या फिर हमारे जो अन्य चकोतरा या फिर जो हमारे प्रोसेस फूड होते हैं, उन सबको हमने जो है प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ताकि लोग आकर देखें, समझें कि कौन सा फल कहाँ पर हो रहा है, कौन सी क्लाइमेट इसके लिए बेस्ट सुटेबल है। इसमें एक चीज़ और हमने यहाँ पर किया था कि ऑनलाइन सत्र भी हमने जो है विभिन्न वैज्ञानिकों के, वस्तु विशेषज्ञों के रखे हुए थे, जिसमें KVK पन्नगर और हमारे जो देहरादून में कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं उनसे भी हमने टाइप किया था, जिसमें किसानों को जो है क्या नाम है उनके उत्पादन, उनके रोग प्रबंधन एवं इसके अलावा जो है क्या नाम है उसके मैनेजमेंट से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण, सॉइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे वो हमने यहाँ पर जो है किसानों के लिए आयोजित किए हुए थे। मैं कीवी का उत्पादन करता हूँ, मैं कीवी तैयार करता हूँ, कीवी के फल उत्पादन करता हूँ,
नींबू प्रजाति जी। अच्छा बाकी यहाँ जो दो दिवसीय जो सम्मेलन है सीट्रस प्रजाति माल्टा संतरा कागजी नींबू खट्टा नींबू वगैरह इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ लेने के लिए आया हूँ। और मेरे भी माल्टे के संतरे के कागजी नींबू के कई पेड़ हैं और मेरी नर्सरी भी है। मैं पौधे भी तैयार करता हूँ, माल्टा संतरा कागजी नींबू खट्टा नींबू वगैरह तैयार भी करता हूँ। वहीं बाजपुर में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को खालसा का शहीद स्मारक का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। आपको बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम में भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से सितारगंज शहीदों के किसान स्मारक कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे थे। दोराहा पर भाकियों के किसान नेताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पहाड़ को प्लेन कर रही है, इसके साथ ही जानवर भी सुरक्षित नहीं है। किसानों के गन्ने का समय से भुगतान नहीं हो रहा है, चीनी मिलें बंद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर सरकार खरीद नहीं कर रही, आंदोलन में जो समझौते हुए थे सरकार उन पर भी काम नहीं कर रही। पूरा तो पहाड़ प्लान कर रहा नीचे, वहां जंगली जानवर फसलों के रेट नहीं है, नौकरियां नहीं है, यहाँ पे किसान गन्ने की खेती करे तो उसका भुगतान नहीं है, मिल बंद हो रही, एमएसपी पे खरीद नहीं है, ये बड़े सवाल है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है पूरी, और सरकार भाई जिसकी सरकार है वो दूसरे धंधे पर लग रही, पूरी जमीनें जाएंगी किसानों की। अगर बचानी है इनको जमीन और जमीन बचानी है तो आंदोलन पर आना पड़ेगा। वहीं जबरेड़ा में आगामी 2022 चुनावों को लेकर जबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी आदित्य ब्रजवाल ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया। धर्मपुर गांव में बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रजवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए थे। धर्मपुर के लोगों ने आदित्य ब्रजवाल का ढोल बाजे और माला पहना कर स्वागत किया। मौके पर सभी ग्रामवासी भी मौजूद रहे। आयोजन किया जिसमें विधानसभा की पूरी कमेटी धर्मपुर गांव में पहुंची और पार्टी की विचारधारा से गांव वालों को अवगत कराया और गांव वालों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार मिला और सब लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का वादा। 2022 को कैसे देखते हैं? 2022 का आने वाला चुनाव बहुजन समाज पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ सभी लोग देख रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? हमारे यहाँ जो विकास की मुख्य समस्या है, पिछले 5 साल से जो विकास कार्य रुके हैं उनको कराने का मैं प्रयास करूँगा। मुख्य तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर जितने भी सड़कें थी, जितने भी वो थे, उनकी व्यवस्था बहुत ख़राब है और रोज़गार की व्यवस्था मैं करने का काम करूँगा। जितने भी हमारे यहाँ पर लोकल क्षेत्र में जितनी फैक्ट्रीज हैं उनमें मैं जो स्थानीय युवाओं के रोज़गार के। वहीं लंडौरा में बहुजन समाज पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कार्यक्रम में कई जगह से समर्थक अपनी रैली के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। वहीं बता दें कि प्रदीप सैनी ने इस मौके पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी खानपुर सीट से भारी मतों से विजयी होगी। वहीं साधुराम ने कहा कि प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा करने का काम जारी है। इंदर पनियाला जो खानपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के हमारे उम्मीदवार बहन कुमारी मायावती जी ने घोषित किए हैं, उनकी धन्यवाद रैली में आज उनका उत्साहवर्धन करने के लिए और उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम आज लंडौरा पीठ बाजार में अपने पूरे दल बल और गांव के काफिले के साथ अपने सभी समाज के लोगों के साथ में आज उनकी धन्यवाद रैली में रविंदर पनियाला जी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती के लिए और बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए आज हम लंडौरा में रविंदर पनियाला जी को धन्यवाद करने जा रहे हैं और हम अब निकट भविष्य में ये आशा करते हैं कि हमारे रविंदर पनियाला जी जीत का इस सीट से खानपुर विधानसभा से और हमारे क्षेत्र का शैक्षिक और आर्थिक और हर तरह से लोगों के सहयोग और सेवा में अपना योगदान दें। रविंदर पनियाला माँ गंगा मैया की रुड़की में ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई जो कि आशु किन्नर की ओर से माँ गंगा मैया की मूर्ति की स्थापना सोलानी शमशान घाट में कल सुबह 9 बजे हो जाएगी। यह शोभा यात्रा रामनगर से होकर पुरानी तहसील रुड़की चौक बाजार मेन बाजार से निकाली गई। आशु
ये हमारा मूर्ति स्थापना है परसों 1 तारीख को, और जिसकी हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो हमारे क्या कहें पुरानी तहसील माली माँ काली माता के मंदिर से होते हुए रामनगर चौराहे से लेके अपना मेन बाजार से अपना शमशान घाट इमली रोड पे जा रही है, जहाँ हमारी मूर्ति स्थापना होगी। उत्तराखंड राज्य जौनसार में बावर क्षेत्र का पारंपरिक हारुल एक लोक नृत्य है, जो हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड राज्य के जौनसार बावर सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। प्रतिभागी एक दूसरे को पकड़कर लंबी लाइन बनाते हैं। इसी परंपरा को बचाए रखने के लिए भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच संयोजक दौलत कुंवर ने विकास नगर के निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर हारुल सीडी का विमोचन किया। हारुल लोक नृत्य को दौलत कुंवर के बचपन से लेकर वर्तमान राजनीतिक जीवन संघर्षों पर फिल्माया गया कि दौलत कुंवर ने जनजातीय क्षेत्र के समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए किस प्रकार से अग्रणी भूमिका निभाई। हारुल सीडी विमोचन पर दौलत कुंवर ने कहा कि मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन संघर्षों पर हारुल नृत्य फिल्माया है। जो ये हारुल नृत्य है, एक बहुत मशहूर गायक है जौनसार बावर के, राकेश दिलवर जी, उन्होंने इस गाने को लिखा और गाया है। मैं दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे जीवन का जो भी छोटा सा एक संघर्ष रहा है उसको उन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ में इसको उसका वर्णन किया है, और आज ये विमोचन हुआ है। और मुझे खुशी है कि कोई ना कोई गायक जो है मेरे जीवन के ऊपर इतना सुंदर गाना दिया, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मसूरी में जहां एक तरफ भारी संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख कर रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी नववर्ष की व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट मोड पर है, और शहर में अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था के साथ ही पीएसी के जवान भी वहां पर व्यवस्था के लिए लगाए जा रहे हैं। नववर्ष की तैयारियों में लगे मसूरी वासियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों को सीमित संख्या में करने के साथ ही सभी आयोजनों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। देखिए, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप आप सुन भी सकते हैं कि पीछे हमारा अनाउंसमेंट हम लगातार करा रहे हैं, और हम लोगों को इनक्रेज भी कर रहे हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क ना पहनने पर कोविड के मास्क के चालान किए भी जा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए ताकि मसूरी में भीड़ न बढ़े, इसके लिए देहरादून में ही चेकिंग की जाएगी कि जिसके पास होटल बुकिंग है उसको ही मसूरी आने दिया जाए, अनावश्यक रूप से कोई ऐसे मसूरी ना आए। वहीं अगली खबर रुड़की से है, जहां भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे ओबीसी मोर्चा सम्मेलन, महिला मोर्चा सम्मेलन, विजय संकल्प यात्रा, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा वातावरण भाजपा के रंग में रंग गया है। आगे उन्होंने कहा कि जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है, साथ ही इतना विकास पिछले 65 से 70 वर्षों में नहीं हुआ है। भाई, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। चलिए, वहीं विकास नगर में बड़वाला क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर विधायक मोना सिंह चौहान ने लगभग 417 लाख पेयजल लिफ्ट पंपिंग योजना का भूमि पूजन किया। इस लिफ्ट पंपिंग पेयजल योजना को उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास और निर्माण निगम 6 महीने में पूरा करेगी। इस दौरान मौके पर विकास नगर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह और पेयजल संसाधन निर्माण निगम के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शुरू किया जमनीपुर टप्पर फलाना लेकर के बादशाही वहां लेकर के लंबरपुर वगैरह 7-8 घंटे पैदल चला, पैर सूज गए, लेकिन हमने जनता की हिफाजत करने का जिम्मेदारी ली। और जब नेता करता है ना, हुआ क्या, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं फिर सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरियंट है यदि उसे कम खतरनाक बताया गया, लेकिन उसकी संक्रमण की रफ्तार पहले से 70 गुनी ज्यादा है।
वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राजभवन में जल्द ही फैमिली वेलफेयर सेंटर बनाया जाएगा। इसमें राजभवन में तैनात कर्मियों एवं उद्यान कर्मियों, दैनिक श्रमिकों की पत्नी, बेटी और परिवार की महिलाओं सदस्यों को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जरूरतमंद व स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मियों की समस्या के निदान के लिए शनिवार को ओपन डे रहेगा। इसमें कार्मिक अपनी समस्या सीधे राज्यपाल को बता पाएंगे। अगली खबर सितारगंज से है, जहां नानकमत्ता थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को ये सूचना मिली कि चार लोगों की हत्या हो गई। हालांकि पुलिस को अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं हत्या की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी उधम सिंह मौके पर पहुंचे और एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लेकर पुलिस मामले में जांच सौंप दी है। हमको जानकारी मिली है भाई, और इसमें पूरी हमारी टीम घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग कर चुके हैं। डीएम साहब भी मेरे साथ हैं। हमारी टीम ने निरीक्षण कर लिया है। फॉरेंसिक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आए हुए हैं। हमारा जो स्नाइपर डॉग है वो भी पहुंच गया है, और पूरे दोनों घटनास्थल और इसके तह में जाकर के हम लोग जाँच कर रहे हैं। दोनों घटनास्थलों को देख करके ऐसा लगता है कि ये मर्डर जो है रंजिशन हुआ है, ठीक है। उसके कुछ क्या क्या आयाम हो सकते हैं रंजिश के, वो हम देख रहे हैं, और बहुत जल्द इसका जो है। अगली खबर लक्सर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में लक्सर, खानपुर और पथरी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एक अभियान चलाया है, जिसमें 7 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यह अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में चलाया गया, और इस तरह के अभियान आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेंगे, ऐसा पुलिस ने बयान दिया है। अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देशन पे अवैध शराब के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। उसमें जो है कल जो है थाना पथरी पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वो भट्टी चला रहा था शराब की, और 10 लीटर लान बरामद हुआ है। और उसी तरह से जो है थाना लक्सर वालों ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक भट्टी पकड़ी गई है और उसमें करीब 48 लीटर शराब जो है रिकवर हुई है। और खानपुर पुलिस ने भी 2 आरोपियों 2 मामलों में जो है 20 लीटर शराब जो है रिकवर किए हैं, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। जो अभी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।